तो हे वन प्लस यूजर्स, दिस इज बादशाह एंड वॉचिंग मी टेक्निकल बादशाह यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस 7, 7T, 7T Pro एंड 7 Pro के ऑक्सीजन ओएस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा था कि हमें दिसंबर के महीने में अपडेट देखने के लिए मिलेगी, बट गाइस यहाँ पे 2 से 3 दिन में यहाँ पे दिसंबर महीना भी खत्म होने वाला है। एंड इन सभी डिवाइसों के लिए ऑक्सीजन ओएस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 की स्टेबल अपडेट रिलीज नहीं की गई है। तो हमें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलने वाली है, आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे वन प्लस ने 8 सीरीज के लिए फाइनली रिलीज कर दिया है ऑक्सीजन ओएस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 की स्टेबल अपडेट। एंड उस अपडेट के अंदर हमें काफी सारा बग्स देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 7 सीरीज के बारे में, तो जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7 सीरीज के लिए भी पोस्ट किया गया है एक वेबसाइट के ऊपर कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में अपडेट देखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ पे 3 से 4 दिन बचे हुए हैं यार दिसंबर महीना में, और हमें अपडेट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो गाइस यहाँ पे इन 3 से 4 दिनों में भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वर्जन पे नहीं हो तो आप लोग यहाँ पे अपने फोन के अपडेटेड ऐप में जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड यहाँ पे अपडेट आया है तो आप लोग अपडेट कर लेना गाइस, बिकॉज अगर आप लोग लेटेस्ट अपडेट वर्जन पे रहोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट मिलने में काफी आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पे ओल्ड वर्जन पे रहोगे तो फर्स्ट वन आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन का अपडेट करना पड़ेगा, सेकेंड में आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 11 प्लस एंड्रॉयड 11 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज अगर हम बात करें कि यार हमें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकती, तो गाइस यहाँ पे दिसंबर महीना खत्म होने वाला है, ऑलरेडी दिसंबर में अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है। तो हमें अपडेट जो मिलने वाली है वो यहाँ पे जनवरी 2021 में अपडेट मिलेगी। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों को अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाली, बेसिकली यहाँ पे 15 जनवरी के बाद आप लोगों को अपडेट मिलने वाला है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अपडेट किसी भी दिन किसी भी वक्त अपडेट रिलीज किया जा सकता है। मे भी इस अपडेट के अंदर अगर बग्स देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे अपडेट डिले किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे वन प्लस 8 सीरीज में जो अपडेट देखने के लिए मिली है गाइस उसमें यहाँ पे बग्स देखने के लिए मिल जाती। तो अगर ऐसा यहाँ पे 7 सीरीज के साथ भी किया जाए तो गाइस यहाँ पे अपडेट जो है वो डिले देखने के लिए मिल सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे वन प्लस क्या करता है, एंड यहाँ पे कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।